भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद की जमीन पर लैंड कराकर दुनिया में अपनी साख ऊंची कर ली है, खास तौर से उस हिस्से में जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। और यही वजह है कि लोग इंटरनेट पर इन वैज्ञानिकों से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाने में लगे हैं। इन सब के बीच चंद्रयान 3 की लीडिंग टीम के अलावा सर्च इंजन में इस वक्त इसरो वैज्ञानिकों की सैलरी भी खोजी जा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी सियासत कर रही है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इसरो वैज्ञानिकों की कितनी सैलरी होती है इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। यहाँ सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन देश का सबसे प्रीमियर संगठन है, जिसके कंधों पर अंतरिक्ष में देश की आन बान और शान को ऊंचा करने का दायित्व है, और इसीलिए ये विभाग सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत काम करता है, जिसमें कई पदों पर वैज्ञानिक और इंजीनियर्स की भर्ती की जाती है। यहाँ चपरासी से लेकर वैज्ञानिकों तक की भर्ती के लिए अलग अलग स्तर की परीक्षाएं होती हैं, और सैलरी भी सभी पदों के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि इसरो में अगर कोई व्यक्ति बतौर इंजीनियर ज्वाइन करता है तो उसकी शुरुआती सैलरी 37,400 से लेकर 67,000 तक होती है, जबकि सीनियर साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत व्यक्ति की सैलरी अलग होती है, और इनका वेतन निर्धारण केंद्र सरकार की ओर से गठित वेतन आयोग करता है। तो इसके आधार पर हम आपको इन्हें मिलने वाली पे के बारे में बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनिंदा पदों के लिए 15,600 रुपए से लेकर 39,100 रुपए तक प्रति माह सैलरी दी जाती है। इसके अलावा विभिन्न भत्ते और लाभ भी दिए जाते हैं। इसरो में इंजीनियर्स को शुरुआती सैलरी 37,400 से 67,000 तक होती है। भत्ते शामिल करने के बाद ये सैलरी 1,00,000 तक पहुंच सकती है। बात करें सीनियर साइंटिस्ट की, तो इसरो में सीनियर साइंटिस्ट को शुरुआती सैलरी 75,000 से 80,000 के बीच दी जाती है। इसके बाद पद ग्रेड के हिसाब से सैलरी में बदलाव आता है। इसी तरह से इसरो में जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का सालाना पैकेज 3,00,000 से 3,50,000 रुपए सालाना के बीच हो सकता है। वहीं डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट की सैलरी की बात करें, तो यहां डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट की सैलरी 2,05,400 रुपए, आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट की सैलरी 1,82,200 रुपए, साइंटिस्ट या इंजीनियर एच श्रेणी की सैलरी 1,44,200, साइंटिस्ट या इंजीनियर एस जी कैटेगरी की सैलरी 1,31,100 रुपए होती है। इसी तरह से साइंटिस्ट या इंजीनियर SF की सैलरी 1,18,500 रुपए तक होती है, इसमें भत्ते भी शामिल होते हैं। वहीं प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को 75,500 रुपए से 80,000 रुपए, उत्कृष्ट वैज्ञानिक को 67,000 से 79,000 रुपए, साइंटिस्ट या इंजीनियर HNG को 37,400 से 67,000 रुपए, साइंटिस्ट या इंजीनियर SE और SG को 15,600 रुपए से 39,100 रुपए सैलरी के तौर पर मिलते हैं। तो ये है इसरो में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन। इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन पैकेज और नौकरी की सिक्योरिटी के साथ साथ करियर ग्रोथ के भी कई अवसर मिलते हैं। एक बार प्रोबेशन पीरियड से निकलने के बाद वो अपने परफॉर्मेंस, सीनियोरिटी और अनुभव के आधार पर प्रमोशन के योग्य हो जाते हैं, और अगर वो प्रमोशन के लिए एग्जाम को क्लियर कर ले तो उन्हें उच्च पद पर पदोन्नति मिलती है और वो अच्छे पैकेजेस और लाभ लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये है इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स की सैलरी से जुड़ी तमाम जानकारियाँ। आई होप आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।